दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर सोलन। सिविल अस्पताल कंडाघाट में यदि किसी ने अपना इलाज करवाना है तो अपने साथ अपना वाहन जरूर लाएं, क्योंकि अगर कोई रोगी सोलन या फिर शिमला रेफर किया जाता है तो उसे इस अस्पताल में ना ही रोगी वाहन मिलेगा और ना ही 108 एम्बुलेंस की मदद। पिछले 1.5 वर्षों से कंडाघाट अस्पताल में सरकारी रोगी वाहन में चालक नहीं है, जिसके चलते ये वाहन शोपिश बनकर रह गया है। वहीं दूसरी ओर इस अस्पताल में जो 108 एम्बुलेंस सेवा दे रही थी, उसे भी पिछले एक हफ्ते से इस अस्पताल में हटा दिया गया है। कंडाघाट क्षेत्र में आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और सभी घायलों को इसी अस्पताल में लाया जाता है। यदि इस अस्पताल में किसी रोगी को रेफर किया जाता है तो उस रोगी को सोलन या फिर शिमला अस्पताल ले जाने के लिए निजी वाहन करना पड़ रहा है। सोमवार को भी कंडाघाट अस्पताल में एक 55 वर्षीय महिला के खाई में गिरने के बाद उसे उपचार के लिए कंडाघाट अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने महिला को सोलन अस्पताल रेफर किया, लेकिन अस्पताल में एम्बुलेंस न होने के कारण महिला को निजी वाहन करना पड़ा। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए कंडाघाट से ललित वर्मा की रिपोर्ट। यदि आप गहनों के शौकीन हैं और खरीदारी की सोच रही हैं, तो अवश्य आएं भूषण ज्वेलर्स। सोलन के भूषण ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं पारंपरिक एवं आधुनिक आभूषण का बेजोड़ खजाना, वो भी बेहद किफायती दामों पर। भूषण ज्वेलर्स आभूषणों की दुनिया का वो नाम है जो कम ही समय में नामी आभूषण निर्माताओं में शुमार हो गया है। भूषण ज्वेलर्स सोलन कर एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि शादी विवाह के आभूषणों की खरीद व किटी अकाउंट खोलने पर ग्राहकों को सुनिश्चित उपहार दिए जाते हैं। डायमंड की खरीद पर 40% की छूट दी जा रही है, तो देर किस बात की, अपनी सुंदरता को चार चांद लगाने के लिए चले आए भूषण ज्वेलर्स सोलन।